वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी कैनेडियन एक्टर मैथ्यू पेरी का 54 साल की उम्र में निधन हो चुका है। एक्टर का शरीर उनके घर लॉस एंजल्स में मिला, जहां पर हॉट टब में डूबने की वजह से उनका निधन हुआ। बता दें चले कि टीवी सिटकॉम फ्रेंड्स लाइक अस के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने चैल्डर बिंग का किरदार निभाया था। मैथ्यू पेरी एक्टर जॉन बैटन पेरी और कैनेडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रेडो के एक समय प्रेस सचिव रहे सुजैन मेरी लैगफोर्ट के बेटे हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1969 को विलियम्सटाउन में हुआ। पेरी 1 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। उन्होंने चाइल्ड इन चार्ज के जरिए अपनी चाइल्ड एक्टर के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की। मैथ्यू बेवरली हिल्स 90210 और अ नाइट इन द लाइफ ऑफ जिमी के लिए जाने जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनको असली पहचान फ्रेंड्स से मिली। ये सीरीज 22 सितंबर 1954 को शुरू हुई थी और 6 मई 2004 को ख़त्म हुई। फ्रेंड्स के 236 एपिसोड्स के साथ 10 सीरीज टेलीकास्ट की गई थी। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन फ्रेंड्स की वजह से उन्हें ज़्यादा जाना जाता था। साथ ही आपको बता दें कि मैथ्यू ने शादी नहीं की थी, हालांकि कुछ साल पहले उन्होंने मेलो से इंगेजमेंट ज़रूर की थी, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल सका। 6 महीने बाद ही उन्होंने सगाई तोड़ दी। इसके अलावा उनका नाम कई और लोगों के साथ, कई और एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है, जिसमें लिजी कैप्लान का नाम सबसे पहले सामने आता है। रिपोर्ट्स की माने तो एक इंटरव्यू में मैथ्यू ने खुलासा किया था कि 14 साल की उम्र में उन्हें नशे की लत लग गई थी, जिसके बाद उन्हें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ा था। मैथ्यू ने बताया था कि नशे की लत से उभरने के लिए उन्होंने $9 मिलियन यानी कि 74 करोड़ रुपए खर्च किए थे।